डिस्टर्बेंस आ रहा है, किसी ऑफ का माइक ऑन है, डिस्टर्बेंस आ रहा है। कर देते हैं माइक लोगों का। निखिल उपाध्याय कौन है? चल देख बच्चा, सवाल है, ये 2 किलोग्राम का मास बेटा और ये 3 किलोग्राम का मास, ठीक है, ये दोनों ऐसे रस्सी हो गया बेटा और यहां से ऐसे रस्सी हो गया, ठीक है, ये हमारा एंगल है 37 डिग्री, ठीक है, और देखो बच्चा ये एंगल हमारा दिया हुआ है 90 डिग्री, ये हमारा एंगल है बच्चा 90 डिग्री का, और पूरा जो इवेंट है बेटा, ये पूरा सिस्टम जो है वो किसी गाड़ी में बंधा हुआ है, ऐसे किसी गाड़ी में बंधा हुआ है, ठीक है बच्चा। तो तुम्हें पता करना है कि इस गाड़ी का, चलो क्वेश्चन लिख दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सिलरेशन ऑफ कार, समझ गया बेटा सवाल, ये कार किधर एक्सिलेट कर रही है, लेफ्ट राइट किधर एक्सिलेट कर रही है और डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, देखो तो बच्चा बनाओ तो। सर क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा। ये कार जो है ना बच्चा, एक गाड़ी के अंदर अरेंजमेंट है, ठीक है बच्चा, गाड़ी के अंदर एक अरेंजमेंट है, ये रस्सी है, इस रस्सी ऐसी है, तो ऐसे सिस्टम को ठहर जाने के लिए इसका एक्सीलरेशन किधर होना चाहिए और कितना होना चाहिए, चलो करो। सर एक्सीलरेशन लेफ्ट साइड होना चाहिए। एक्सीलरेशन लेफ्ट होना चाहिए, बिल्कुल सही पहचान, लेफ्ट साइड। अभी भी निकाल लो कितना होना चाहिए, आवाज कहाँ से आ रही है? कोई गुनगुना रहा है, मैं ही था यार। बना बना अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है,
कुछ लोगों का तो आंसर आया है लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि आंसर क्या है। चलो मैं बनाता हूं बच्चा, आंसर मैच करते हैं हम लोग फिर। देखते बेटा इसमें डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन कैसे होगा, अगर ये हमें पता नहीं चल पा रहा हो बेटा, है ना, तो हमारा सोचने का तरीका क्या होना चाहिए। देखो बच्चा ये तो हम कंफर्म जानते हैं बच्चा कि जिधर इस गाड़ी का एक्सीलरेशन होगा उधर ही इन दोनों बॉडी का भी एक्सीलरेशन है ना बेटा। ये दोनों बॉडीज गाड़ी के साथ साथ जा रही है बच्चा, है ना। तो देखो बेटा इन दोनों का एबीडी बनाया जाए, ये हुआ बेटा 3 किलोग्राम का मास और ये हुआ बेटा 2 किलोग्राम का मास। ध्यान देना बच्चा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया 2g और इसका हमारा टेंशन मैंने मान लिया T1 और इसका ऐसे मान लिया टेंशन T2, है ना बेटा। अब तुमको इसी डायग्राम में दिख गया बेटा कि T1 और mg तो बैलेंस कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेटा T2 बैलेंस तो नहीं हुआ ना, देख रहे हो ना। और अगर T2 बैलेंस नहीं हुआ बेटा, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि इस गाड़ी का इधर ही एक्सीलरेशन है। बोलो बच्चा। यस सर। ये बात सबको समझ में आ गई, है ना। तो जब इसका इधर एक्सीलरेशन है बेटा तो इसका भी इधर ही होना चाहिए एक्सीलरेशन, क्योंकि दोनों साथ में जा रही है ना। एक्सक्यूज मी सर। यस सर। बोलो बच्चा। सर सर उसका एक्सीलरेशन उधर कैसे हुआ सर, नेटवर्क चला गया था, समझा दीजिए बेटा। जिस सिस्टम पे जिस डायरेक्शन में अनबैलेंस्ड फोर्स होगा उधर ही बॉडी जाएगा ना बच्चा। देखो ना इस बॉडी पे T2 बैलेंस नहीं हो सकता ना। नो सर। इसका मतलब T2 ही इसको एक्सीलरेट कर रहा है। यस सर। ठीक है। अब देखो बच्चा ग्रेविटेशनल लगा दिया मैंने 3g और ये हो गया बेटा एक्शन, ये T2 हो गया फोर्स, यहाँ से T2 यहाँ से T2, यहाँ देखना बच्चा ये हो गया फोर्स हमारा T3, इसको मैंने मान लिया स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2, स्ट्रिंग 3। हालांकि हम टेंशन भी निकाल सकते हैं लेकिन क्वेश्चन पूछा नहीं है। चल देखना बेटा इस हमारा एंगल जो हमारा है ये वर्टिकल से एंगल हमारा है बेटा 37, है ना, वर्टिकल से हमारा एंगल 37 है। तो बताओ बेटा इसमें किसको रिजोल्व करोगे? T3 को। तो इधर हो गया बेटा कंपोनेंट क्या, बोलो तो बोलो बोलो। T3 sin 37। ऊपर बेटा T3 cos 37, है ना। तो देखो तो वर्टिकल में बॉडी मूव तो नहीं कर रहा ना। नो सर। तो ये कंफर्म हो गया ना बेटा कि T3 cos 37 का वैल्यू 3g होना चाहिए। बोलो बच्चा। यस सर। है ना, इस बॉडी की बात करें अगर हम लोग तो ऐसे तो मूव कर सकता नहीं है। तो ये कंफर्म हो गया कि T2 का वैल्यू होना चाहिए 30 × 5 = 150/4 = 75/2 N। बोलो बेटा। T3 ना निकल गया T3। अब चलो इसके बारे में सोचो, इसके बारे में हॉरिजॉन्टल में क्या लिखोगे? ये तो पता लग गया बेटा हमको, ये हो गया 75/2 × sin 37, है ना बेटा। माइनस ऑफ T2 इज इक्वल टू 3a। बोलो बेटा, है ना। यस सर। और इसके लिए क्या बोलोगे? T1 = 2g, लेकिन T1 की जरूरत नहीं है ना, तो सिर्फ x में सोचो तो कहोगे T2 = 2a। बोलो बच्चा। यस सर। अब क्या करना चाहिए, ऐड कर लेंगे तो T2 का कट जाएगा ना। यस सर। तो क्या हो गया देखते बच्चा, 75/2 × 3/5 कितना हो गया ये 45/2 ना बच्चा। 45/2 इज इक्वल टू ये हो गया बेटा 5a, तो a इज इक्वल टू 9/2 meter per second square, है ना। किसी बच्चे ने सही आंसर दिया था। लिख लो बच्चा। सर ये क्वेश्चन एक बार फिर से बता दीजिए सर। क्वेश्चन बता दूं कि सलूशन बता दूं? सर मतलब वही सलूशन सर। अच्छा तो देखो बेटा, सबसे पहले मैंने क्या किया, इन दोनों का बनाया फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है।
तो देखा मैंने इस पे ग्रेविटेशनल ऐसा होना चाहिए बेटा, इस रस्सी का टेंशन, इस रस्सी का टेंशन, और जैसे ही मैंने इसको बनाया मुझे ये बात दिख गई कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में T2 ऐसा फोर्स है जो बैलेंस नहीं हुआ, है ना बच्चा। और अगर T2 बैलेंस नहीं हुआ, इसका मतलब T2 के वजह से ये 2 किलोग्राम मास एक्सेलरेट करेगा, तो अगर इधर फोर्स है बेटा तो इधर ही होगा एक्सेलरेशन। क्लियर? यस सर। जिधर ये एक्सेलरेट करेगा उधर ये भी एक्सेलरेट करेगा। यस सर। क्योंकि दोनों एक ही गाड़ी में है बच्चा। अब ग्रेविटेशनल लगाया, टेंशन लगाया, टेंशन लगाया, ठीक है? ठीक है सर, अब हो जाएगा जी। इरेज कर रहा हूं बच्चा क्वेश्चन। तो टेंशन फोर्स की बात काफी कुछ हो गई, अब चलो आगे बढ़े। हमारा सेकेंड डिराइव्ड फोर्स, पहला था टेंशन फोर्स बेटा, दूसरा आया जाए नॉर्मल फोर्स, ठीक है बेटा, नॉर्मल फोर्स देखा जाए, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स की बात हमें कब करनी है, तो क्या बोलेंगे बेटा, इट इज ए फोर्स ड्यू टू कॉन्टेक्ट, है ना बेटा। ये फोर्स जो है वो कैसा है, दो सरफेस में कॉन्टेक्ट की वजह से ये फोर्स है। तो देखो बच्चा, मैंने मान लिया एक कोई टेबल है बेटा, ये मान लो एक कोई टेबल है और इस टेबल पे एक कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है बच्चा। इस टेबल पे एक ब्लॉक रखा है, ठीक है बेटा। ये मास मान लेते हैं बेटा हम कैपिटल एम। अब चलो इस मास का बेटा फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, थोड़ा तुमको तिरछा दिख रहा होगा लेकिन तिरछा है नहीं, तिरछा हमसे बन गया है ना, सरफेस हमारा हॉरिजॉन्टल ही है बच्चा। अब देखो ये हम मास की बात करें तो देखो बेटा इस मास के फ्री बॉडी डायग्राम में देखो, कहोगे ना ग्रेविटेशनल फोर्स खींचेगा नीचे की तरफ इसको, है ना बेटा। तो बताओगे नीचे क्यों नहीं गिर रहा, टेबल ने रोका तो टेबल ने ही फोर्स दिया बेटा, इसी फोर्स को हम बोलेंगे क्या, नॉर्मल नॉर्मल फोर्स, ठीक है बच्चा। अब देखो अब कहा मैंने ये टेबल है बेटा, इस टेबल के सरफेस ने, इस टेबल के सरफेस ने इसको ऊपर धक्का दिया, तो ये बॉडी जो है बेटा इसको नीचे धक्का देगा, बोलो। yes, है ना। इस तरह से इस डायग्राम में तुम कहोगे बेटा कि ये हमारा नॉर्मल और ये वाला नॉर्मल, है ना बेटा, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, है ना बेटा, ये दोनों एक्शन रिएक्शन नहीं है ना बच्चा। बोलो इनके एक्शन रिएक्शन पेयर ना होने के क्या क्या मुख्य कारण है, एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी, पहला कारण हो गया बिल्कुल सही, दूसरा बताओ, साइमल्टेनियस हमेशा नेचर सेम है और नेचर भी डिफरेंट है, बिल्कुल सही कहा, ये तीन मुख्य कारण है बेटा। अभी देखो ये दोनों जो नॉर्मल फोर्स है ना बच्चा, वो देखा तुमने इस लाइन के अलोंग लगा है, और ये जो लाइन है यहाँ सरफेस से परपेंडिकुलर है ना। तो क्या हुआ अगला पॉइंट, तो कहेंगे जो फोर्स होगा ये ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा किससे, तो परपेंडिकुलर टू कॉन्टेक्ट सरफेसेस, बोलो बेटा, दोनों के दोनों सरफेस से ही परपेंडिकुलर होगा, है ना बेटा। अब दूसरी बात देख के बताना बेटा, ये जो फोर्स दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, धकेलने वाला या खींचने वाला या कुछ और, धकेलने वाला, पुशिंग फोर्स, इसका मतलब पुशिंग फोर्स है ना बेटा, ये हमारा क्या है, एक पुशिंग फोर्स है ना बेटा, पुशिंग फोर्स। एक कोशिश क्या कर रहा है, तो कहेंगे ऑलवेज ट्राइज टू पुश देम अपार्ट, है ना बेटा।
एक कोशिश क्या कर रहा है कि दोनों को धकेल के अलग कर दिया जाए, है ना, कोशिश कर रहा है ये कि दोनों को धकेल करके अलग कर दिया जाए। वो कर नहीं पा रहा है वो अलग बात है, लेकिन कोशिश तो कर रहा है बच्चा, है ना। अब देख के बताना बच्चा इस केस में कि हमें जो फंडामेंटल फोर्स की बात करनी है बेटा, ये फंडामेंटल फोर्स में कौन कौन सी बात करनी है अभी हमको, बोलो बोलो। ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और कोई करनी है क्या? नहीं सर। देखना बेटा ये दोनों सरफेस के कांटेक्ट की वजह से है ना बच्चा। तो अब बताना अगर हम लोग बेटा मान लो स्पेस में चले जाएं और स्पेस में दोनों हाथों को यूं दबाएं, दबा पाएंगे कि नहीं ऐसा? यस सर। दबा पाएंगे ना बच्चा हम लोग सर? इसका मतलब यहाँ सरफेस के बीच में नॉर्मल फोर्स काम कर सकता है ना बिना ग्रेविटी के भी? यस सर। यस सर। इसका मतलब इस फोर्स का संबंध ग्रेविटेशनल से जरूरी है क्या? नो सर। मतलब ये फोर्स कौन सा फोर्स है फंडामेंटल में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो लिखेंगे डिराइव्ड फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, है ना बेटा। अच्छा बोलो फिर से बता दीजिएगा। मैंने कहा बताया, तुम्हें लोग तो बताया मुझे अभी कि हम लोग दो ही फंडामेंटल की बात कर सकते हैं, नॉर्मल सॉरी ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, है ना बच्चा। और एक ग्रेविटेशनल नहीं हो सकता क्योंकि जहां ग्रेविटी नहीं होगा वहां भी हम दो सरफेस को धकेल सकते हैं बेटा, ऐसा? यस सर। इसका मतलब इसका संबंध इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से ही होना चाहिए, बोलो। ठीक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से क्यों है मत सोचो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से क्यों है मत सोचो, तुम इस बात को जज करो कि आखिर तुम ये इल्जाम किसके ऊपर ठोक सकते हो, है ना बेटा। ये फोर्स तो लगा बिल्कुल सही बात, मेरे पास दो मुजरिम आए, एक ग्रेविटेशनल और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, है ना। ग्रेविटेशनल तो बोल दिया बेटा कि माय बाप मुझे छोड़ दो क्योंकि मैं जहां नहीं होऊंगा वहां भी तुम काम कर सकते हो, है ना। इसका मतलब जिम्मेदार कौन बचा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मुजरिम। बिल्कुल सही बात। तब बताओ बेटा मुझे बात, अगर दो बॉडी में अट्रैक्शन हो रहा है बेटा तो अट्रैक्शन की वजह से खिंचाव होता है या धकेलना होगा बेटा? खिंचाव होगा ना बेटा। अगर दो चार्ज पार्टिकल ऐसे रख दिए एक दूसरे को खींचेंगे तो पास आ जाएंगे, और अगर धकेलेंगे तो दूर हो जाएंगे। तो बताओ मुझे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन है कि रिपल्शन है? अट्रैक्शन। बताना कौन सा है? रिपल्शन। रिपल्शन क्योंकि ये धकेल रहा है ना बच्चा, इसके लिए इसका संबंध इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन से होना चाहिए। ठीक है चलो फटाफट लिख लो इसको। चिपका क्यों रहता है? चिपका कहाँ रह रहा है बेटा, वो तो धकेल रहा है, वो तो धकेलने की कोशिश कर रहा है, है ना। थोड़ा सा इसको मौका दो फिसलने का, फिसल जाएगा वो तो। सर अगर स्पेस में ले जाएंगे टेबल और मास को तो मास तो फिर रिपल हो जाना चाहिए। नहीं बेटा ऐसे मत सोचो, अगर इस टेबल को स्पेस में ले जाएंगे ना बेटा तो अभी यहाँ कंडीशन में कहोगे कि बॉडी हमारा इक्विलिब्रियम में है तो n बराबर mg है ना बच्चा, तो कहेंगे स्पेस में जाएंगे तो mg हमारा जीरो हो जाएगा, है ना, इसलिए n जीरो हो जाएगा, है ना बेटा। तो अभी कहेंगे यहाँ दबाव बना mg की वजह से, है ना बेटा। लेकिन हम समझते हैं कि ये दबाव के लिए mg की जरूरत नहीं है, यहाँ से हाथ से भी दबा सकते हैं पकड़ के ऐसे इनको हम, है ना। यस सर। सर ऐसी कंडीशन हो सकती है कि mg एग्जिस्ट ना करें पर नॉर्मल है? mg एग्जिस्ट ना करे बट नॉर्मल है, बिल्कुल बिल्कुल संभव है बच्चा। जैसे कि मान लो, जैसे कि अच्छा स्पेस में जानते हो तुम लोग, स्पेस में जब जाते हैं बेटा स्पेस शिप से लोग उड़ते रहते हैं, स्पेस जाते हैं लोग तो बेटा वहां स्यूडो ग्रेविटी क्रिएट की जाती है,
वहां पे स्पेसशिप में स्यूडो ग्रेविटी क्रिएट की जाती है रोटेशनल मोशन से। स्यूडो ग्रेविटी क्यों किया जाता है? सिंपल सी बात है बेटा, ग्रेविटी अगर नहीं होगा मान लो, है ना, तो तुम कुछ भी खाना खाओगे बेटा तो अंदर जाएगा वो, वो तो यही पटक जाएगा ना, यही पटक जाएगा, मुंह में जाएगा, मुंह में ही रह जाएगा, है ना। मतलब ऐसे बहुत सारे काम बेटा है जो नहीं कर सकते हैं दिनचर्या वाले काम बिना ग्रेविटी के, है ना। तो इसलिए बनाई जाती है वहां स्यूडो ग्रेविटी, उस केबिन को घुमाया जाता है बेटा रोटेशनल मोशन से सर। हाँ रोटेशनल मोशन होता है ना बेटा, तो अगर केबिन ऐसा है सिलिंड्रिकल मान ले, है ना बेटा, और सिलिंड्रिकल केबिन ऐसे घूम रहा होता है समझा, इसलिए आदमी जो होता है उसमें ऐसे रहता है खड़ा, समझे बेटा, और ऐसे yes, खड़ा रहता है, तो इससे जमीन से जब आता है जब केबिन के सरफेस को टच करेगा बेटा तो यहां से नॉर्मल फोर्स आएगा, ठीक है। लिख लिया? यस सर। कर दूं? ठीक। यस सर। चलो बेटा कुछ सवाल नॉर्मल फोर्स के किए जाएं। ऑल द सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट आर फ्रिक्शनलेस। सारे कॉन्टेक्ट जो क्या है फ्रिक्शनलेस है, कहीं किसी भी तरह का कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है बच्चा। तो क्वेश्चन एक आता है फाइंड नॉर्मल फोर्स, फाइंड नॉर्मल फोर्स एट ईच कॉन्टेक्ट। हर जगह पे नॉर्मल फोर्स की वैल्यू निकालनी है विथ प्रॉपर, विथ प्रॉपर एफ बी डी। सही से फ्री बॉडी डायग्राम बना करके नॉर्मल फोर्स को बेटा कैलकुलेट करना है, ठीक है। हमारा पहला सवाल है, पहला हमारा सवाल है कि एक लिफ्ट है बेटा और इस लिफ्ट में एक 10 किलोग्राम का मास रखा है और ये लिफ्ट हमारा नीचे आ रहा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। दूसरा हमारा सवाल है बेटा कि एक मास है 2 किलोग्राम, उसके नीचे एक मास है बेटा यह है 5 किलोग्राम और उसके ऊपर एक और मास है यह है बेटा 6 किलोग्राम, है ना। हमें हर जगह का नॉर्मल फोर्स निकालना है, तो यहाँ कितने जगह हो गया बेटा, 1, 2 और 3 हो गया ना। चलो पहले 2 सवाल बनाओ ये, फिर देंगे तीसरा। आंसर से ज्यादा महत्वपूर्ण फ्री बॉडी डायग्राम है बेटा। तो सेकंड वाले में हर ब्लॉक के ऊपर कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है। हाँ बच्चा बिल्कुल। सर जो नॉर्मल नीचे लग रहा है और जो नॉर्मल ऊपर लग रहा है वो कैंसिल हो जाएगा, जब एक ही बॉडी पे आएगा तब ना बेटा कैंसिल हो जाएगा। तुम तो फ्री बॉडी डायग्राम में दोनों बॉडी को अलग अलग बनाओगे ना।
बहुत लोगों का आंसर आ गया। देखो बच्चा मैं भी करता हूँ, मैच करते हैं आंसर हम लोग। तो देखो बेटा इस वाले बॉडी का एबीडी बनाएंगे, है ना बेटा, 10 केजी वाले का। तो कहोगे यहां से नॉर्मल लगेगा बेटा ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया 3g और इसका एक्सेलरेशन हो गया नीचे की तरफ 3 m/s². चूंकि इसका नीचे एक्सेलरेशन है बच्चा, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, 10g - n = 10a, और a की वैल्यू है बेटा हमारी 3 m/s², इसका मतलब n हो गया बेटा हमारा 70 m। खत्म है कहानी। अब इसकी बात की जाए, अब आ गया बेटा सबसे ऊपर हो गया हमारा 6 kg का मास, इसके नीचे हो गया बेटा 2 kg का मास, और उसके नीचे हो गया बेटा 5 kg। ठीक है, तो हम जानते हैं सब पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो आएगा ही आएगा बेटा, है ना, अर्थ किसी को माफ नहीं करने वाला, सब पे फोर्स आ गया बेटा ग्रेविटेशनल, है ना। अब देखना बच्चा ध्यान से, अब देखो कहोगे यहाँ कॉन्टेक्ट है ना बच्चा, yes, sir. इस कॉन्टेक्ट में नॉर्मल क्या करता है, दोनों को धकेलेगा ऐसे, इसका मतलब ऊपर वाले को ऊपर धकेलेगा, नीचे वाले को नीचे धकेलेगा। तो यहाँ जो मैंने ऐसे हाथ रखा बेटा, वो एक्चुअली ये सरफेस और ये सरफेस है ना, बोलो, है ना बेटा, यहाँ का जो नॉर्मल होगा वो ऐसे धकेलेगा ऐसे, इसको मैंने कहा सरफेस वन, तो कहेंगे यहाँ से आएगा ऐसे नॉर्मल एन वन, और यहाँ से आएगा बेटा ऐसे नॉर्मल एन वन, है ना। अब चलो देखो यहाँ कॉन्टेक्ट है बेटा, अब कॉन्टेक्ट हमारा कहाँ आ रहा है, 2 नंबर सरफेस पे। तो 2 नंबर सरफेस की बात करते हैं बेटा, देखो तो 2 नंबर सरफेस पे क्या कहोगे, 2 नंबर पे कहोगे ऐसे लगेगा नॉर्मल, दोनों को ऐसे अलग करना चाहेगा, इसका मतलब इस सरफेस में और इस सरफेस की बात हो रही है बेटा, तो यहां से नॉर्मल हो जाएगा ऊपर एन टू, और यहां से हो जाएगा नॉर्मल ऐसे एन टू, है ना बेटा। अब बात किसकी होगी, यहाँ यहाँ में क्या, तो कहेंगे ऐसे फोर्स थर्ड वाले के लिए, ऐसे फोर्स का मतलब ग्राउंड के लिए नीचे की तरफ और 5 kg के लिए ऊपर की तरफ, मतलब यहां से बेटा ऐसे आएगा N3, है ना बेटा। तो देखना अभी हमारा क्या आ रहा है बच्चा, ये N1 और ये N1 एक्शन रिएक्शन फोर्स, फिर बोलेगा बेटा ये N2 और ये N2 एक्शन रिएक्शन फोर्स, बोल बेटा, है ना। N3 का तो ग्राउंड पे जाएगा, ग्राउंड तो बनाया नहीं मैंने, अब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है बेटा, तो N1 हो गया 6g, N2 हो जाएगा बेटा N1 + 2g, है ना, और N3 हो जाएगा बेटा N2 + 5g। ठीक है बच्चा, ठीक है ना। यस सर। अब आते हैं बेटा थर्ड सवाल पे, सी और डी। सी पे मैंने कहा तुमसे कि ऐसा एक सरफेस बेटा, ऐसा एक सरफेस और एक ऐसा सरफेस, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है बेटा ये, और ये एक इंक्लाइन सरफेस है, है ना, और एक बॉडी बेटा ऐसे रखा हुआ है सिलिंड्रिकल, ऐसे इसमें डाल के छोड़ दिया बेटा हमने इसको, ठीक है। बॉडी का मास है 20 kg और जो एंगल है ये है 37 degree, ठीक। और डी वाला सवाल में डी है बेटा, एक ऐसे वी शेप का एक गाड़ी है बेटा, ऐसा हमारा वी शेप का एक गाड़ी है ना, और ये गाड़ी बेटा इधर मान ले एक्सीलेट कर रहा है 5 m/s² से, ठीक है। ये भी हमारा एंगल है 37 degree, और इस पे ऐसे एक सिलेंड्रिकल बॉडी रखा हुआ है, सिलेंड्रिकल बॉडी है बेटा ये 50 kg का है, ये थोड़ा गाड़ी बन गया देशा, है ना, लेकिन सड़क बेटा हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल वॉल है और ये इंक्लाइंड है ना। चलो करो इन दोनों को,
सर सी वाले में कोई एक्सीलरेशन नहीं है? नहीं सी में कोई एक्सीलरेशन नहीं है। कर लिया बच्चों? तो 2 मिनट सर। ठीक है बेटा। तो पहला वाला हो गया, दूसरा नहीं हो रहा है सर। बोलो बोलो, पहला नहीं हो पाया सर, दूसरा सेकंड नहीं हो पाया। ठीक है, देखते हैं बेटा। हम भी देख बच्चा, फर्स्ट वाले का देखा जाए तो ये बेटा हमारा बॉडी 20 किलोग्राम,
है ना बेटा, यहाँ से नॉर्मल आएगा, यहाँ से नॉर्मल आएगा, है ना, और ग्रेविटेशनल फोर्स तो रहेगा ये बेटा 20g। अब देखो बेटा, यहाँ से नॉर्मल ऐसे हो जाएगा ना, यहाँ से नॉर्मल ऐसे हो गया, इसका मतलब बेटा दिख रहा है सबको? यस सर। ये हो गया बेटा नॉर्मल हमारा एन1। यस सर। ये हो गया पहला कॉन्टेक्ट। अब देखो बेटा, यहाँ से नॉर्मल आएगा ऐसे, यहाँ से ऐसे आएगा ना, तो इस तरह के नॉर्मल के लिए तो कहेंगे बेटा वाल के लिए हो गया ऊपर की तरफ, लेकिन इसके लिए हो गया इधर की तरफ, है ना। ये हो गया बेटा N2, ठीक है बेटा। अभी देखो ये दोनों वर्टिकल है, ये इंक्लाइंड है, तो चलो इसी को ठीक किया जाए। ऐसे X मान लिया जाए, ऐसे Y मान लिया जाए, तो ये एंगल बेटा 37 डिग्री। गौर करना सब लोग, तो ये जो लाइन यहाँ दिख रही है बेटा तुमको, है ना, ये जो लाइन है हमारी नॉर्मल की बेटा, वो नॉर्मल की लाइन यहाँ पे ऐसे है ना, देखो ऐसे है ना, ये 90 डिग्री है ना बेटा। तो देखो यहाँ से अगर ओरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर दें, तो ये 37 डिग्री है, ये भी हमारा 37 डिग्री बेटा, है ना। इसका मतलब ये जो हमारा एंगल होगा बेटा, ये हो जाएगा 53, तो ये एंगल हो जाएगा बेटा हमारा 53, है ना। अब इसका कम पॉइंट करें हम लोग इधर, ये हो जाएगा N2 cos 53 और N2 sin 53, है ना बेटा। अब देखो सोचो बेटा, ऐसे दो वाल के बीच में अगर किसी ब्लॉक को लगा दोगे इस तरह से, तो ये एक्सीलरेट तो नहीं करेगा ना बच्चा, बोलो, है ना, एक्सीलरेट तो करेगा नहीं। इसका मतलब इसका एक्सीलरेशन तो बेटा कंफर्म जीरो है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स है बेटा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए मैं क्या बोल दूंगा, मैं बोल दूंगा N2 cos 53 होना तो चाहिए इक्वल टू MA, लेकिन A जीरो है बेटा, तो ये जीरो हो गया, इसका मतलब N2 इक्वल टू जीरो है बेटा, बात समझ गया ना। इसका मतलब यहाँ वाला बॉडी जो है इस सरफेस को टच तो करेगा, लेकिन धकेलेगा नहीं। जैसे कि देखो दो उंगलियों को टच करो, तुम कितना प्रेस कर सकते हो बेटा उसके ऊपर, है ना, ऐसे दबा दोगे तो ज्यादा फोर्स है, और सिंपल ऐसे टच करो तो टच तो कर रहा है लेकिन नॉर्मल बहुत कम है ना बच्चा। वैसे यहां समझो, टच करेगा लेकिन नॉर्मल बहुत कम होगा, टेंडिंग टू जीरो। वाई में क्या लिख देंगे बेटा हम लोग, एन वन इक्वल टू 20g प्लस N2 साइन 53। कंप्लीट हो गया बेटा ये, N2 तो जीरो है। अब चलो इस वाले ब्लॉक की बात करें बेटा। अब बोलो बोलो सर, हमेशा नॉर्मल बॉडी के ज्योमेट्रिकल सेंटर से पास करता है, अगर स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल बॉडी है तो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। अब वो सेंटर से पास कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास से कोई मतलब नहीं, नहीं कोई मतलब नहीं सर। ये जीरो क्यों हो गया बेटा, इस डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन है क्या बेटा, बोलो है क्या, नहीं ना, बॉडी मूव नहीं कर रहा ना बच्चा। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन जीरो है बच्चा। अब देखो इस 50 केजी के मास के लिए बेटा, कहोगे यहां से ग्रेविटेशनल फोर्स ये हो गया 50g, है ना बेटा। यहां से नॉर्मल फोर्स ऐसे लगेगा ऐसे, तो गाड़ी के लिए पीछे, और इसके लिए लगेगा बेटा यहां से आगे की तरफ, ऐसे हो गया हमारा N1, है ना। अब देखो बेटा यहां से ऐसे नॉर्मल है ना, तो यहां से नॉर्मल हो जाएगा बेटा ऐसे, ऐसे पास करेगा ना रेडियस में, ऐसे हो जाएगा बेटा हमारा N2, है ना। और गाड़ी बेटा इधर जा रही है 5 m/s² से, तो किसको रिजॉल्व करोगे बच्चा, किसको करोगे रिजॉल्व, N2 N2 को ना। तो ये हो गया बेटा हमारा x एक्सिस, और ये हो गया बेटा हमारा y एक्सिस। तो देखो बच्चा ये एंगल 37 है और इसका ये नॉर्मल है, तो देखो बच्चा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दें, तो ये 37 ये 53 हो गया ना, ये 37 तो ये 53 और ये 53 हो गया, तो ये एंगल 37 हो गया, बोलो है ना। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल 37 हो गया, ठीक है। तो इसका हमारा हो जाएगा बेटा इधर कंपोनेंट, ये हो जाएगा N2 cos 37 और ऊपर हो जाएगा बेटा N2 sin 37, है ना। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन क्या बन गया, बोलो,
n2 sin 37 इक्वल टू 50g, और बेटा हॉरिजॉन्टल में हो गया n2 cos n1 माइनस n2 cos 37 इक्वल टू ma, ma हो गया 50 इंटू 5, निकल गया बेटा वैल्यूज। यस सर, तो लोग समझ गए ना बच्चा? यस। तो देखिए बताओ तो इस सवाल का जवाब कि अगर गाड़ी का एक्सीलरेशन बढ़ जाएगा तो n1 n2 में से कौन बदलेगा? सर n2 n1 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 बिल्कुल सही बेटा, n1 बदलेगा लेकिन n2 सेम रहेगा ना? यस सर। ओके चलो अब डिस्कस करते हैं। सर आपने ऑब्जेक्टिव भी दिया था परसों वाला हूँ। सर ये लास्ट वाला समझ में नहीं आया अभी में, उसे नंबर डी में दिक्कत है। यस सर। डी का एबीटी देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स एन वन एन टू समझ में आया? यस सर। हॉरिजॉन्टल में एक्सीलरेट कर रहा है बच्चा, तो हॉरिजॉन्टल को मैंने मान लिया एक्स, वर्टिकल मैंने मान लिया वाई। दिखा बेटा? बस चलो बेटा एलसीबी की बुक निकालो, ऑब्जेक्टिव वन में आ जाओ। पहला ही डाउट है, चलो देखो। कहता है मोटर कार इज गोइंग ड्यू नॉर्थ एट ए वेलोसिटी और स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। देखो तो बच्चा, एक गाड़ी जो है नॉर्थ की तरफ जा रही है 50 किलोमीटर पर आवर से, है ना बेटा? क्वेश्चन नंबर वन। तो नॉर्थ तो ये डायरेक्शन हो गया बच्चा, ये हो गया 50 किलोमीटर पर आवर, और ये हो गया बेटा यू इनिशियल वेलोसिटी। इट मेक्स 90 डिग्री लेफ्ट टर्न विदाउट चेंजिंग द स्पीड। ये 90 डिग्री बाय मुड़ गया, इसका मतलब ऐसे हो गया बेटा, स्पीड नहीं बदला तो 50 किलोमीटर पर आवर ये क्या हो गया हमारा बेटा, v हो गया, है ना? तो सवाल कहता है बेटा द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द कार, वेलोसिटी वेक्टर है ना बेटा, तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, v वेक्टर माइनस u वेक्टर ना बेटा, बोल, है ना? इसको ऐसे बोल सकते हो क्या, v वेक्टर प्लस माइनस u वेक्टर, बोलो, बोल सकते हो ना? यस सर। Yes, देखो बेटा इसको डायग्राम में देखो, बी वेक्टर हो गया ऐसा, इस बी वेक्टर में मुझे क्या ऐड करना है बच्चा, माइनस यू ना, तो यू को उल्टा करके ऐड करो, तो यू को उल्टा करके ऐड करोगे तो ऐसे ना ऐड करोगे बेटा, तो रिजल्टेंट कैसे आएगा, यू हो जाएगा ना बेटा 50√2। डायरेक्शन क्या हो गया देख लो, साउथ वेस्ट ना। यस सर। अप टू फाइव और कोई ऑप्शंस नहीं आज के हैं, तो पहले में बी होगा, सी टू को 1.414 ले लेंगे। अच्छा हाँ सही बोल रहा है, 70 आया ना। हाँ ठीक, अब बोलो बच्चा फाइव तक कोई पूछना है? नाइन्थ, फाइव तक में बोला मैंने, थर्ड किसको पूछना है? थर्ड आवाज से डिस्टरबेंस हो रहा है मुझे, अब तुमने बेटा कमेंट में लिखो। थर्ड वाला बताइए सर, फोर्थ। थर्ड वाला, आपने अपने आप को म्यूट कर लिया है। ये कौन सी बुक से करा रहे हैं? एससीबी ना, एससीबी है बच्चा ये।
देखो चार में एक पर्सन थर्ड वाला थर्ड देख ए पार्टिकल हैज वेलोसिटी यू टुवर्ड्स ईस्ट एट टी इक्वल टू जीरो इट्स एक्सीलरेशन इज टुवर्ड्स वेस्ट एंड इज कांस्टेंट. देख बच्चा इसका वेलोसिटी है यू और एक्सीलरेशन है ए. अब कहता है इट्स एक्सीलरेशन इज टुवर्ड्स वेस्ट एंड इज कांस्टेंट. एक्स ए एंड एक्स बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द फर्स्ट 10 सेकंड. है ना बेटा एक्स वन क्या है पहले 10 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट. इसका मतलब u into 10 plus half into minus a into 10 square का मैग्नीट्यूड. क्वेश्चन में क्या है बेटा ये तो ये हो गया 10u minus 50a का मैग्नीट्यूड. अब देखो बेटा मैं कह दूं अगर x1 से लेकर के x2 तक है ना x1 से लेकर के x2 तक टोटल है ना बेटा एक मिनट is equal to 10u minus 50a. दिख रहा है ना दिख रहा है ठीक है. अब मैंने कहा x1 का मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में कहा था बेटा x1 का मैग्नीट्यूड ठीक है. अब देखो x1 पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे बेटा तब हो जाएगा 0 से 20 सेकंड. तो 20 सेकंड में क्या लिख दोगे u into 20 plus half into minus a into 20 square. इसका मतलब बेटा 20u माइनस 200a. अब देखो बेटा x1 को यहां से माइनस कर लें x1 को माइनस कर लें तो हमारा x2 मिल जाएगा. x2 हमारा क्या हो जाएगा 10u माइनस 150a है ना बेटा. लेकिन फिर इसका करेंगे मैग्नीट्यूड तो ये हो जाएगा बोलो दिखा बेटा ये ठीक है ना बच्चा. अब चलो बताओ तो अगर मैं u इक्वल टू बेटा u इक्वल टू पुट कर लू 20 और a इक्वल टू पुट करू 1 तो बोलो तो कौन बड़ा आ रहा है बोलो कौन बड़ा x1 या x2. x1 हमारा बड़ा हो जाएगा ना बेटा. और बोलो अगर u इक्वल टू 10 पुट करूं और a इक्वल टू 1 पुट करूं तो कितना आ रहा है x2. अब आ रहा है बेटा x2 आ रहा है. तो क्या दिखा कौन बड़ा है कुछ और बोल सकते हैं क्या हम लोग. नो सर. तो ऑप्शन क्या हुआ डी है ना डी. फोर नंबर किसी ने पूछा था पूछना है क्या फोर टेन तक बोलो नाइन्थ सेवेंथ सेवेंथ एंड नाइन्थ. देखो बच्चा सेवन ना देखो सेवन में ए पर्सन इज स्टैंडिंग नियर द एज ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग थ्रोस टू बॉल्स ए एंड बी. द बॉल ए इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड बी इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद द सेम स्पीड. द बॉल ए हिट्स द ग्राउंड विद ए स्पीड वी ए एंड द बॉल बी हिट्स द ग्राउंड विद ए स्पीड वी बी. कहता किसकी स्पीड ज्यादा होगी किसकी स्पीड कम होगी. देखना बच्चा मैंने लिखा बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस है ना बच्चा. तो देखो तो यू स्क्वायर प्लस टू दोनों के लिए ग्रेविटी बेटा नीचे की ओर है ना और दोनों ही बॉडी ऊपर से नीचे आया है इसका मतलब दोनों का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव बेटा. तो क्या बन गया बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच. बोलो बेटा इसमें कोई दिक्कत है ये सबको क्लियर है बेटा. यस सर. अब गौर करने की बात ये है कि इसको अगर मैं बोलो 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 सर एक बॉडी के लिए तो जी प्लस में रहेगा. एक बॉडी ऐसे आया नीचे है ना बेटा और एक बॉडी ऐसे आया नीचे है ना. बोलो डिस्प्लेसमेंट का मतलब इनिशियल से फाइनल. डिस्प्लेसमेंट का मतलब इनिशियल से फाइनल. तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट बेटा नीचे की ओर हुआ ना जी पॉजिटिव हो गया ना. पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया. यस सर. बेटा
हम जी ऐसे लगता है या ऐसे लगता है? नीचे नीचे लगता है ना? ऐसे क्या कभी ऐसे भी होता है? ऐसे कभी हुआ क्या? नो सर, ऐसे कभी नहीं हुआ ना। ठीक, तो बोलो बेटा, अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव बोल रहा हूँ क्योंकि वो नीचे की तरफ है, तो इसको मैं क्या बोलूं? बोलो ना बेटा, बोलो। इसमें डाउट तो नहीं होना चाहिए ना कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा? नो सर, जो चेंज हुआ बेटा वो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हुआ, एक्सेलरेशन तो चेंज हुआ ही नहीं। पहले वेलोसिटी ऊपर की तरफ था, फिर वेलोसिटी नीचे की तरफ हुआ, लेकिन एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की ओर था। बात समझे? यस सर। तो अब बताओ, यू को मैं प्लस पुट करूं या माइनस पुट करूं, क्या वी को फर्क पड़ता है इससे? नहीं। तो आंसर बताओ क्या होना चाहिए? दोनों सेम होगा ना बेटा? यस सर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। अब देखो नाइन नंबर, क्वेश्चन नंबर नाइन कहता है बेटा कि टू बुलेट्स आर फायर्ड साइमल्टेनियसली, एक को फायर किया बेटा हॉरिजॉन्टली, है ना, अच्छा दोनों को फायर किया हॉरिजॉन्टली विद डिफरेंट स्पीड फ्रॉम द सेम प्लेस, है ना बेटा, विच बुलेट विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट? देखना बच्चा, साइमल्टेनियसली, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। एक को फेंका ऐसे बेटा, एक को फेंका ऐसे, तो एक ऐसे गिर जाएगा, एक ऐसे गिरेगा, है ना बेटा। लेकिन हम लोग जब फॉल की बात करेंगे तो सिर्फ वाई डायरेक्शन की बात करेंगे बेटा, एक्स की बात तो करेंगे ही नहीं हम। yes, क्या बोलेंगे? इनिशियल वेलोसिटी वाई जीरो है बेटा दोनों के लिए। अगर दोनों के लिए जीरो है तो दोनों को टाइम सेम लगेगा ना बच्चा। अप टू 13, 13 नंबर तक कोई डाउट? सर 13। ओके बच्चा, देखो क्वेश्चन नंबर 13 वाले क्वेश्चन, नाइन्थ वाले क्वेश्चन में सर, सर अगर हम उसको वर्टिकल वेलोसिटी भी दे देंगे सर, तो पहले कौन गिरेगा? तो फिर कितना दोगे वेलोसिटी उस पे डिपेंड करता है। जिसको ज्यादा दोगे वो देर से गिरेगा, जिसको कम दोगे वो पहले गिरेगा ऊपर की तरफ, है ना। और अगर नीचे की फेंक रहे हो वर्टिकल में, तो कहना जिसका ज्यादा होगा वो पहले गिरेगा। ठीक है, 13 देखो बच्चा, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, है ना बेटा, इन दोनों को नीचे खींचा जा रहा है, इन दोनों को नीचे खींच रहे हैं हम लोग, और खींचने की हमारी स्पीड जो है बेटा वो u है, है ना। और यहां से एक मास लगाया बेटा, तो इसकी वेलोसिटी v कितनी होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। बोलो बच्चा, यही ना बेटा क्वेश्चन हमारा। तो देखो तो बच्चा, इस वाले पॉइंट से लेकर के इस वाले पॉइंट तक जो रस्सी की लंबाई है वो घटेगी या बढ़ेगी या सेम रहेगा? बोलो बेटा, सेम सेम रहेगी। इसका मतलब अगर इसको मैं मान लूं L1 और इसको मान लूं L2, तो बोलोगे ना बेटा L1 प्लस L2 बराबर कांस्टेंट? यस सर। बोलोगे ना, और कांस्टेंट का कितना डिफरेंशिएशन? जीरो। By dt plus dl2 by dt बराबर जीरो। इसका मतलब बेटा dl1 upon dt equal to minus of dl2 by dt। अब इसको मैंने छुपा दिया, अब सिर्फ इसको देख के बताओ ये घट रहा है कि बढ़ रहा है? बढ़ रहा है ना बेटा। इसका मतलब इसका रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है, तो माइनस ही हो गया ना बेटा। बोलो, ठीक है सर, एक बार फिर से समझा दीजिए।
बेटा डायग्राम को देखो अच्छे से, ये लंबाई घट रही है बढ़ रही है कांस्टेंट है? अरे कुछ तो बोल बच्चा, ये लंबाई कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कुछ बोलेगा ही नहीं। तो देखो बच्चा आगे, इस ट्रायंगल को देखो बच्चा, इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल में ये एंगल है थीटा, ये है बेटा L2, उल्टा लिख दिया मैं लगता है कि है। एक मिनट रुक जाओ, L1 ही था ना हमारा, है ना? एक मिनट, तो हमारा ये हमारा कितना है? हाँ ठीक है, ये तो हमारा U है, dl1 upon dt is dl1 upon dt is u, ठीक है बच्चा, या इधर लिख दो u। अब चलो देखो इस ट्रायंगल में देखो, देखो बेटा ये ऊंचाई को मैंने मान लिया y, ठीक है, और इसको मैंने बोल दिया x, तो ऐसे बोलोगे l2 square equal to x square plus y square, बोलो रे? Yes sir। इसका मतलब बताओ इसमें कौन वेरिएबल है कौन कांस्टेंट है? सर एक्स वाई वेरिएबल है, एल कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है एल टू। बेटा अगर तुमने दिख गया होगा तो एल टू का तो रेट ऑफ चेंज यू है बेटा, तो कैसे हमारा एल टू कांस्टेंट है बोलो? तो L2 का रेट ऑफ चेंज कितना है बेटा? ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल है ना, x हमारा कांस्टेंट है, यस सर, x हमारा नहीं बदलेगा, यस। अब इसको डिफरेंशिएट करो टाइम के रेस्पेक्ट में, तो 2L2 dL2 / dt बराबर 0 प्लस 2y dy / dt होगा, तो 2n2 कैंसिल हो गया, dl2 upon dt कितना है? dl2 upon dt minus u है, तो ये हो गया minus u बराबर y by l2, y by l2 into dy upon dt, बोलो रे? ये जब मास ऊपर जा रहा है तो ये घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा सर, घटेगा। इसका मतलब बेटा इसका रेट ऑफ चेंज नेगेटिव है, बोलो? Yes, sir, yes, sir, yes, sir, yes, sir. क्या हो गया? U equal to y by L2, y by L2, ये हो गया cos theta और ये हो गया v, so v equal to u by cos theta, समझा? ठीक है बेटा, इसी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे लॉज ऑफ मोशन में भी कॉन्स्टेंट मोशन से, और बहुत जल्दी कर लेंगे इस सवाल को जब कॉन्सेप्ट सीखेंगे इसका। तो ऑब्जेक्टिव टू में आओ, एक से पांच, ऑब्जेक्टिव का डी ऑप्शन, एक से पांच, थ्री का डी ऑप्शन। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर थ्री, थ्री कहता है बेटा पिक द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट को चुनो। पहला देखो, एवरेज स्पीड ऑफ ए पार्टिकल इन गिवन टाइम इज नेवर लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, सही बात है ना बेटा? हाँ, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या फिर डिस्टेंस ही ज्यादा होगा। बी कहता बेटा इट इज पॉसिबल टू हैव ए सिचुएशन डीवी वेक्टर बाय डीटी इज नॉट इक्वल टू जीरो बट डी बाय डीटी वी वेक्टर इक्वल टू जीरो। देखते बच्चा, बी वाला पार्ट कर रहा हूं, सीखो इसको, बी वेक्टर इक्वल टू बोल सकते हैं ऐसा बोल तो? यस, बोल सकते हैं ऐसा? यस सर, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। अब इसको डिफरेंशिएट करो, तो डीबी वेक्टर बाय डीटी इज इक्वल टू डीवी अपॉन डीटी इनटू वी कैप प्लस वी इनटू dv cap by dt, बोल बेटा। अब चलो देखो, इस वाले को ऐसे बोल सकते हो क्या? इस वाले को ऐसे बोल सकते हो d b vector magnitude by dt?
यही ना, ये वी यहाँ पे क्या है, वी का मैग्नीट्यूड है ना। अब सोच बेटा, अगर मैं इसको जीरो कर भी दूं, अगर इसको मैं जीरो कर भी दूं, है ना, तो क्या ये जीरो होगा जरूरी है? नो, ये बच जाएगा ना इसमें। यस सर, सही है ना बेटा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर थ्री बी हमारा सही है ना बेटा। बीसी का था एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज जीरो इन ए टाइम इंटरवल, इट इज पॉसिबल टू हैव द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नेवर जीरो इन द इंटरवल। हो सकता है ना बेटा, एक पार्टिकल यहाँ से चले ऐसे ऐसे घूमते हुए फिर वापस चला आए, तो कितना डिस्प्लेसमेंट? जीरो ना बेटा, तो एवरेज वेलोसिटी जीरो। लेकिन पार्टिकल कभी रुका ही नहीं, हमेशा चलता रहा, है ना? यस सर, ये भी हमारा सही है बेटा। डी कहता है एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज जीरो इन ए टाइम इंटरवल, इट इज पॉसिबल दैट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नेवर जीरो इन द इंटरवल। हो सकता है बेटा, अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा था और एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाए, है ना बेटा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ बेटा कि पार्टिकल आगे गया और फिर लौट के वापस आ गया, बोलो। yes, है ना, अगर यहाँ जाके लौटा है बेटा तो यहाँ पे एक बार तो रुकना पड़ा होगा ना इसको, बिना रुके तो नहीं आ सकता ना। इसका मतलब डी हमारा गलत है बेटा, बात समझ गया ना? कम से कम एक बार जीरो होना ही पड़ेगा। अब बताओ टेन तक, नथिंग टू आस्क। फिर मैंने बेटा एक्सरसाइज दिया तुम लोग को था ना, आखिरी के दस सवाल करने कहे थे मैंने तुम लोग को, किया सब लोग? यस सर। तो ठीक है चलो, 43 से लेके 50 तक। बोलो 47। आवाज ठीक से नहीं आ रही बेटा तुम्हारी। 47 क्वेश्चन नंबर 47। आवाज ही क्लियर नहीं आ रही, मैं क्या बोलूं बच्चा? 47 तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन नेटवर्क कमजोर है। 47 ना? यस सर, यस सर, क्वेश्चन नंबर 47। हाँ अब सुनाई पड़ा अच्छे से। देखो 47 में, 47 कहता है ए स्विमर विशेस टू क्रॉस ए 500 मीटर वाइड रिवर। कहता है बेटा 500 मीटर चौड़ी एक नदी को क्रॉस करना चाहता है, 500 मीटर चौड़ी एक नदी को क्रॉस करना चाहता है, फ्लोइंग एट 5 किलोमीटर पर आवर। रिवर फ्लो कर रहा है बेटा 5 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है बेटा। हिज स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू वाटर इज 3 किलोमीटर पर आवर। आदमी का स्पीड ये क्या हो, यू ना हो गया बेटा, जबकि आदमी का स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। तो कहता है बेटा इफ ही हेड्स इन ए डायरेक्शन Making an angle theta with the flow, find the time he takes to cross the river. कहता है अगर वो theta angle पे start करेगा flow से, तो कितना देर में river cross कर जाएगा? सीधा formula, d upon v sin theta, है ना बच्चा? B कहता है find the shortest possible time to cross the river, है ना बेटा? Shortest possible time to cross the river. अभी क्या दिख रहा है? ये तो पढ़ाया तुम लोगों को था। V का वैल्यू से कम है ना बेटा, जब V का वैल्यू से कम होता है तो क्या होता है, ये डायरेक्टली यहाँ नहीं पहुंच पाता है ना, ठीक। इसमें क्या कहा था मैं तुमको, याद करो कि ऐसे इसका V होता है बेटा, है ना, लेकिन U जो है V से बड़ा होता है, है ना, इसलिए रिजल्टेंट ऐसे निकल जाता है। बोलो, फिर बताया था मैंने कि 90 डिग्री एंगल कहाँ होता है इसमें, बोलो कोई, 90 डिग्री एंगल कहाँ होता है? यहाँ होता है ना बेटा, बोल। यस सर, यहाँ होता है ना बेटा। ये एंगल 90 डिग्री है, ये तेरा इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल निकाल सकते हो।
बोलो यस सर। जब ये एंगल निकाल सकते हो तो ये एंगल निकाल सकते हो, तो फिर y में वेलोसिटी क्या हो गया, y में वेलोसिटी क्या हो जाएगा बोलो। ये अगर v है बेटा, ये क्या हो जाएगा, v sin थीटा होगा बोलो। तो क्रॉस करने का टाइम कितना हो गया, d अपॉन v y, समझे? यस सर। और कोई पूछना है किसी को? नो सर। इसके सारे सवाल तो सीट में थे ही लगता है कि नहीं, तो ठीक है बेटा चल आगे पढ़ाई करो। नहीं सुन पाया, ऑब्जेक्टिव टू का नाइंथ वाला। ऑब्जेक्टिव टू का नाइंथ बता दूं, ऑब्जेक्टिव टू कहाँ गया, ऑब्जेक्टिव टू अभी बताया था आपने भाई, ऑब्जेक्टिव टू का नहीं बता दिया था मैंने। नहीं सर नेटवर्क चला गया। अलग है नाइन, तो अलग है। देखो नाइन कहता है कि एक पार्टिकल ग्राफ दिया है बेटा, है ना, देखो कैसा दिया है। नाइन नंबर में एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ दिया है बच्चा, ठीक है। सर वीडियो ब्लर आ रही है, वीडियो से ब्लर आ रही है। नहीं सर सही आ रही है। नहीं सर सही है। तो तुम्हारे नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा बच्चा, इसका मतलब देखो, देखो डायग्राम को बेटा गौर से देखोगे तो तुम देख पाओगे कि जहां से स्टार्ट हुआ है बेटा, यहां से ग्राफ ऊपर तो गया, फिर नीचे गया, फिर यहां तक आया, फिर यहां टच करके जब ऊपर गया तो जो पॉइंट नीचे आया है बेटा, गौर करने की बात है कि इस वाले पॉइंट के मुकाबले में ये वाला पॉइंट थोड़ा नीचे होगा, देखना ध्यान से, दिख रहा है ये? Yes, तो अब आ जाओ पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन कहता है बेटा The particle has come to rest six times. देख बेटा हम समझते हैं कि rest का मतलब होता है velocity zero, और velocity का इस graph में मतलब हो जाएगा slope, है ना बेटा? और slope वहाँ zero होता है ना बेटा, जहाँ maxima हो या minima हो। तो maxima या minima ढूंढो, एक दो तीन चार पांच छह मिले, इसका मतलब ए सही हो गया ऑप्शन। द पार्टिकल हैज मैक्सिमम स्पीड एट 6 मीटर पर सेकंड, 6 सेकंड पे। देखते बेटा 6 सेकंड पे जो इस लाइन का स्लोप है बेटा, 6 सेकंड यहाँ कहीं है ना बेटा, है ना, क्या इस वाले से ज्यादा कहीं स्लोप नहीं है बेटा? देखो ध्यान से, तुमको दिखेगा इस तरफ का स्लोप बहुत ज्यादा है, डायग्राम में देखो, बुक में देखो, इस तरफ का स्लोप बहुत ज्यादा है ना, इसका मतलब बी गलत है ना बेटा। सी कहता है बेटा द वेलोसिटी रिमेन्स पॉजिटिव फ्रॉम 0 to 6 सेकेंड, 0 से लेके 6 सेकेंड तक, यहाँ 6 सेकेंड है, देखो कभी स्लोप पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो सी भी गलत हो गया बेटा, है ना। और डी कहता है एवरेज वेलोसिटी टोटल पीरियड का नेगेटिव बेटा, तो पूरे डायग्राम में देखो इनिशियल पॉइंट ऊपर है और फाइनल पॉइंट नीचे है बेटा, इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव बेटा, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव तो एवरेज वेलोसिटी भी नेगेटिव, इसका मतलब डी वाला ऑप्शन सही है बेटा, समझ गए? यस और sir. कुछ yes, चलो फिर तो आगे देता हूं होमवर्क तुम लोग को, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की सीट में से, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की सीट में से सिर्फ ए दिया, ए ऑप्शन सही दिखा रहा है क्या बेटा? यही दिया है, बात तो सही है बेटा, इसके मतलब डायग्राम में क्लियर नहीं है कौन ऊपर कौन नीचे है, शायद हम लोग ज्यादा देख लिए है ना, अगर आंसर दिया भी यही दिख रहा है सर, ये नेगेटिव वाला। हाँ मतलब बेटा ग्राम कहना चाहता है कि ग्राफ दिया हुआ परफेक्ट नहीं है तो हम नहीं बोल सकते कि ये ऊपर है कि नीचे है, इसका मतलब ये हुआ है ना बेटा। चलो एलएम में सेक्शन ए कर लेना, दोनों पार्ट में, दोनों पार्ट में सेक्शन ए कर लेना, ठीक है। चलो बच्चों इतना ही आज के लिए, बाय फॉर नाउ।
थैंक यू सर वेलकम थैंक यू सर सेक्शन